नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सरिता कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ है राजेश खेड़ी जी, जो कि बहुजन समाज के बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं। आज हम इनसे पूछना चाहेंगे कि वाल्मीकि समाज के लोग अधिकतर सफाई कर्मचारी की ही जॉब ढूंढना पसंद करते हैं, ऐसा क्यों? सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ का धन्यवाद करूँगा कि जो आप ऐसी स्टेटमेंट लोगों के ले रहे हो, जो कि पूरे देश में जाके इसका बहुत अच्छा एक संदेश जाने वाला है। तो मैं ये बताना चाहूँगा मैडम जी कि हमारे जो बड़े थे, बुज़ुर्ग थे हमारे, जो हमारे माता पिता थे, वो यही काम करते थे। तो वो काम करने के बाद हमारे काफ़ी लोग पढ़ने के बाद भी, क्योंकि उनकी सोच नहीं बदल पाई, पढ़ तो हमारे लोग काफ़ी भी हैं, पढ़ाई काफ़ी की है, और पढ़ाई करने के बाद उनको कोई एक टारगेट नहीं दे पाए, कोई देने वाला था नहीं, क्योंकि कहीं भी अगर उनका सुझाव बनाया तो उनका सुझाव एक ही चीज़ पर बनाया कि सफाई का काम हमने करना है जी। लेकिन उनको कोई ये बताने वाला नहीं मिला कि भाई सफाई से हटके आप पढ़ लिख गए हो तो और काम भी आप कर सकते हो, क्योंकि उनका जो एक माहौल में रहे हैं तो माहौल क्या रहा है, वो सफाई विभाग से ही रहा है जी। जो हमारे बड़े लोग थे, जो बड़े माता पिता थे हमारे, वो कूड़ा करकट मेला या ढोके जो भी करते थे तो हमारा पालन पोषण उसी से करते थे। तो हमारा जो माइंड था वो उसी, वो सोच थी वो उसी पे हो गया जी। तो इसलिए उस चीज़ को प्रभावित लोग करने लगे और सफाई का काम पे ज़्यादा फोकस करने लगे। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे काफ़ी लोग जो युवा साथी निकल के आए हैं, उनने सोच चेंज करी है, क्योंकि हमारे लोगों को कोई अच्छे लोग बैठने नहीं देते थे। स्वर्ण जाति के जो लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, विद्वान लोग थे, वो हमारे लोगों को पसंद नहीं करते थे बैठने के लिए, और इसलिए हमारा माहौल चेंज नहीं हो पाता था, क्योंकि वो ये देख रहे थे कि जब हमें नहीं बैठने देते तो हमारे बच्चों को आने नहीं देंगे। तो इसलिए हमारे आज के युवा साथी हैं हर कैटेगरी में बैठने लगे। आज ब्राह्मण के पास भी बैठते हैं, शिक्षक के बैठ भी बैठते हैं, खिलाड़ी के पास भी बैठते हैं, एक बिजनेसमैन के पास भी बैठते हैं। तो इसलिए हमारे समाज की सोच चेंज हो गई है। आज मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम आज ज़्यादा नहीं तो 20% एक नॉर्मल तरीके से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज हमारे लोग अच्छी अच्छी पदवी पर भी हैं, अच्छे अच्छे सोच में भी हैं, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। और मैं यही अनुरोध करूंगा कि जो सफाई विभाग में लगे हैं, ज़्यादा समाज हमारा सफाई विभाग में लगा है, एक जितनी भी सरकारें आती हैं या सरकार है, उसने हमारे को अगर दर्जा देना था, जितने सिपाही विभाग में वाल्मीकि समाज के लोग लगे हैं, आज उनको एक सिपाही का दर्जा ना दे के एक जो सैनिक बॉर्डर पर जो देश की रक्षा करता है, अगर उसका दर्जा मिलता तो हो सकता था हम आगे भी इस काम को करने का इच्छा करते। लेकिन जब हमें कोई दर्जा नहीं करते दे रहे, कोई महत्व हमारे को नहीं दे रहे, सिपाही विभाग को और सिपाही कर्मचारी को एक कीड़े मकोड़े की तरह देख रहे हैं। 20-20 साल हमारे कच्चे कर्मचारी को हो जाते हैं, डेथ केस के बाद हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिलती, कई कई 5-5 साल उस परिवार का खर्चा चलाना बहुत दिक्कत में आ जाता है। उसके उपरांत हमारे जो कर्मचारी रिटायरमेंट हो जाते हैं, उनका भी हिसाब किताब नहीं मिल पाता, तो बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो उसी दिक्कत से परेशान हो गए। आज हमारे सभी युवा साथी जितने पढ़े लिखे हैं वो बिजनेस की तरफ जाए पहुँच हो चुकी उन लोगों की, और उनकी अच्छी जगह मेंटेन करने पर लग गए अपने आप को, और अपने बच्चों को एक निर्णय ले लिया, जो पढ़े लिखे हैं, जो निकल चुके हैं जो फील्ड में और अलग सोच बना चुके हैं, वो अपने बच्चों को अलग से निकालने लगे हैं। सब ने बोल दिया कि आगे से हम सफाई का काम ना करेंगे, और ये एक अच्छी सोच हमारी बनी है कि अभी ये जो निर्णय गया है ये सिर्फ और सिर्फ ये गया कि आगे सफाई का काम हम नहीं करें, ये सफाई का काम और ही कोई करे, हम अपने बच्चों को बिजनेस की तरफ लेके जाएं और अच्छी एजुकेशन की तरफ लेके जाएं, और जिसके घर में पढ़ाई अगर घुस गई तो उसका परिवार ही चेंज हो गया, और जिसका परिवार चेंज हो गया उसका समाज चेंज हो गया। यही तो है ना, जिसका धर्म जिंदा उसी का समाज जिंदा है, और जिसकी शिक्षा जिंदा अगर जिसके घर में उसका घर जिंदा है। तो इसी लिए हम यही अनुरोध करेंगे कि सफाई का काम ना करके अपने बच्चों को बिजनेस की लाइन में डाले, अपने बच्चों के अच्छे किसी अधिकारी की लाइन में डाले, किसी अच्छे लक्ष्य की डॉक्टर की लाइन में डाले, इंजीनियर की लाइन में डाले, अच्छे प्रोफेसर लाइन में डाले, और हमारे बहुत अच्छे जज भी हैं, वकील भी हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पर भी हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।